हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, फिर हमने चैप्टर 7 पढ़ा था, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे जो हम इसी चैप्टर के लास्ट में पूरा कर लेंगे। तो ये क्या है, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो मौसम के बारे में आप प्रतिदिन देखते हैं कि मौसम हमारे देश में कितने मौसम होते हैं। तो हमारे देश में 4 मौसम होते हैं जो हमेशा से पढ़ाए जाते हैं, बचपन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ाए जाते हैं, कि सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। और ये सभी जानते हैं कि सर्दी में शीत ऋतु, सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। तो यहाँ इसमें ऐसा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। जो पढ़ने लायक है वो है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे वर्षा का मौसम कहा जाता है, क्योंकि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर, ये हमारा स्थल है ना, तो स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। तो जब ये पवने पहाड़ों से टकराती हैं, यहाँ पहाड़ों से टकराती हैं, उत्तर में पहाड़ है, पहाड़ों से टकराती हैं हर जगह, तो क्या होता है, वर्षा होती है। फिर क्या होता है, मानसून लौटने का समय होता है। तो इसे क्या कहते हैं, शरद ऋतु, क्योंकि बारिश के बाद ही शरद ऋतु आ जाती है, वर्षा खत्म, सर्दी शुरू। तो सर्दी में क्या होता है, इधर स्थल की तरफ से समुद्र की ओर लौटती हैं यही पवने, ठीक है, इधर से समुद्र की तरफ लौटती हैं। तो जब समुद्र की तरफ लौटती हैं ये पवने, तो भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या होता है, और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में क्या होता है, इस समय वर्षा होती है। जब ये मानसून लौटती है तब यहाँ पे वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम को औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ की जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब यहाँ छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे देश में क्या होता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध, यानी क्या है, भारत सेंटर में है, जैसे पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी थी वो, उसको 3 भागों में बांटा गया था ना, ये मध्य में इक्वेटर था जिसे भूमध्य भाग कहते हैं, और ये जो पार्ट था ये उष्णकटिबंध था, फिर उसके ऊपर था वो ये सेंटर वाला भाग है जिसे रेड मार्क किया है, वो उष्णकटिबंध है, और जो येलो मार्क्ड है वो शीतोष्ण कटिबंध है, और उसके ऊपर जो है ये ध्रुवों पर, वहाँ क्या है, फ्रिजिड जोन है। तो इसलिए हमारा देश भारत जो आता है वो इंडिया के, यदि ऐसे देखा जाए, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ का मौसम जो है, ये जो आता है तो ये उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यदि मानसून नहीं होगा तो फसल प्रभावित होगी, कुएं के पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाएगा, और गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो भारत क्या है, कृषि वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। तो अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अब है किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसमें हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, तो ये बता रहे हैं कि राजस्थान का मरुस्थल है उसमें जैसलमेर का बीकानेर बहुत गर्म है, जबकि लद्दाख के द्राक्ष एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, और विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है जो लद्दाख को ही कहा जाता है।
तटीय क्षेत्रीय से मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, बिना अधिक गर्म है न ठंडे है। समुद्र तट पर होने के कारण बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, और ये जो मोनसून राम है इसको गिनीज बुक में भी स्थान मिला हुआ है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मोनसून राम में होती है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा देखी जाए तो होती है राजस्थान के जैसलमेर में, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि वर्षा होती ही नहीं है किसी किसी साल तो, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर से समझ लेंगे। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? तो प्राकृतिक वनस्पति वही होती है जो हम उगाते नहीं है, फसलें तो हम उगाते हैं ना, और प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो अपने आप, जैसे नारियल, घास, झाड़ियां, पौधे, जो बिना मनुष्य की सहायता के उपज जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। अब हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो सीधी सी बात है, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत से कार्य करते हैं। पहली बात तो पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। दूसरा, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ही ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि, ये जो सारी चीजें हैं वो प्राप्त करते हैं, वनों से ही तो प्राप्त करते हैं। अब यहाँ एक दिया है कि लीला की माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के पौधे को रोपा, तो ऐसे ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। भाई पेड़ लगाने के लिए हमें किया जा रहा है प्रेरित। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, इसलिए यहाँ ये एक्टिविटी दी है। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। तो क्या होता है, लड़की के माता पिता उसके हर बर्थडे पर एक पेड़ लगाते हैं, तो जब वो 20 साल की होती है तो उसके आंगन में 21 सुंदर से वृक्ष उसके चारों ओर खड़े थे, जिन पर चिड़ियों के घोंसले बने थे, फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। तो ये बच्चे को बहुत ही आनंददायक, बच्चे जो है सभी को आनंद देने वाले होते हैं, पेड़ पौधे हरा भरा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका महत्व बहुत कम लोग जानते हैं और सभी लगाने का प्रयास भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन यदि हम ये सोचें, ये करने लगे तो पृथ्वी को हरा भरा रखने में हम मदद कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं। क्या है, अब हमें ये सारा टेक्स्ट जो हमने पढ़ा उसे पढ़ने की जरूरत थी नहीं, सिर्फ एक पिक्चर देख के ही हमें समझ आ जाता कि हम वनों से क्या क्या प्राप्त करते हैं। फिर है वन्य प्राणी, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की कई हजार प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। तो गुजरात का जो गिरी वन है वो किस लिए फेमस है, वो एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते रहते, तो असम में एक असम में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, वो एक सींग वाले हाथी के लिए ही फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हम हाथी बोल रहे हैं सॉरी। केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं हाथी, और वहाँ ज्यादा हाथी मिलते हैं, वहाँ हाथियों के मारने की भी ज्यादा खबर आती रहती है। ऊंट भारत के रेगिस्तान में ऊंट ज्यादा मिलते हैं तथा जंगली गधा कच्छ रण में पाए जाते हैं, ये गुजरात की बात कर रहे हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, स्यार, भेड़िया, नील गाय ये इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बचपन से ही पढ़ते आए हैं याद होगा। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों के उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं, ठीक है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बताएंगे? तो ये बच्चों के लिए है, इसलिए बच्चे ऑब्जर्व करें, देखें और समझें कि कौन कौन से पक्षी हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। भारत सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है, ये बहुत ही जहरीले होते हैं, ठीक है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, जबकि बहुत सारी तो समाप्त भी हो चुकी हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सी
उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल अंतरिक्ष आरक्षित करने चाहिए। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो क्या करना है हमें, ये हमें होमवर्क दिया है कि हमें कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति को बताना है। आप वन्य जीवों की संरचना में अपना हाथ बटा सकते हैं। जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंखों से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। तो ये तो हमारे ही हाथ में है, हम जितना प्राकृतिक रिसोर्सेस हमें जितने मिले हैं उन्हें हम कम से कम यूज करेंगे तो वो बचे रहेंगे, और ऐसे ही बस यूज एंड थ्रो करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे तो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब प्रवासी पक्षी कौन होते हैं? प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो दूसरे देशों से उड़कर आते हैं। उनमें है पिंटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। प्रत्येक वर्ष के सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो अब ये चैप्टर की रीडिंग तो खत्म हो गई, अब हमें यहाँ क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो हमने देखा था जब इंडिया का मैप बना के कि दक्षिण कौन सी मानसून पवन थी, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून थी, पवन थी, दक्षिण पश्चिम पवन थी। और ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इनके आने से ये हमारा देश जो है वो फसलों का देश है और फसल अच्छी होती है इनके आने से, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं आएंगी तो फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मौसम के नाम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, याद है वो सर्दी, गर्मी, बारिश और शरद ऋतु। और प्राकृतिक वनस्पति वही है जो प्रकृति में अपने आप बिना मनुष्य के बिना उगाए उग जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो ये मौसिन राम है, जो कि गिनीज बुक में भी दर्ज है इसका नाम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही यहाँ फिर से दे दिया, तो इसमें क्या है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, आगे देख लेते। खालिस्तान वरना है, तो खालिस्तान में क्या है, गर्मी के दिन में समय शुष्क तथा गर्म पवने चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में कौन से मौसम में, सर्दी के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जब मानसून स्थल से समुद्र की ओर वापस आ रही होती हैं। ठीक है, गुजरात के गिरिवन में एशियाई शेर है, जो एशियाई शेर उसका क्या है, ये निवास है एशियाई शेर का, ठीक से लिखा नहीं जाता इस पे, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप सुन पा रहे होंगे। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ये हो गया खत्म। अब ये अपडेटेड बुक है, तो इसमें अगर आप किसी के पास पुराना मैप है तो वो नए राज्य राजधानी याद कर ले। कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ दो चेंज हुई है, एक तो जम्मू और कश्मीर जो कि अभी यूनियन टेरिटरी बना है, तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख की लेह राजधानी बनी थी, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो पोर्टब्लेयर पहले भी थी। और ये इससे पहले जो चैप्टर था उसमें एक्चुअली मैंने उसके क्वेश्चन आंसर इसलिए भी स्किप किए थे क्योंकि उसके जो क्वेश्चन आंसर थे ना उनका आंसर यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ था। उसमें क्वेश्चन था कि एक ऐसा राज्य ढूंढिए जिसकी राजधानी वो राज्य खुद ही है, तो ये चंडीगढ़ है जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, और दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये क्या हुआ है, पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे लेकिन अब क्या हुआ है, दोनों एक ही में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, और इन दोनों की कैपिटल क्या है, दमन ही रह गई है। फिर लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है, और जो राजधानी दिल्ली है ये भी यूनियन टेरिटरी है और इसकी
राजधानी भी दिल्ली ही है, तो एक चंडीगढ़ हो गया और एक दिल्ली हो गई, तो दो ऐसे राज्य हैं, राज्य का ये तो राजधानी है कि जिनकी राजधानी वही खुद है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची। देखिए चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। चंडीगढ़, यहाँ ऐसे भी प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो दो स्टेट की राजधानी है, तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ की भी है और हरियाणा की भी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की, अब केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल और मेघालय की शिलांग, और क्या है एक्चुअली, चंडीगढ़ दो नहीं तीन स्टेट की राजधानी है, ठीक है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ की है, हरियाणा की है और पंजाब की भी है। देखिए ये तीन जगह की एक ही कैपिटल है, तो ये इतनी कॉमन है, याद होगी। महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना 2014 में तमिलनाडु से अलग हुआ था, तो इसकी पहले तमिलनाडु की हैदराबाद थी, लेकिन अब तमिलनाडु की चेन्नई और तेलंगाना की हैदराबाद कैपिटल हो गई है। उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सारे हो चुके हैं, तो हम चैप्टर 7 में कल जो कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे तो वो ले लेते हैं अब। तो देखिए चैप्टर 7 है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ तो हमने कर लिए थे, कुछ रह गए थे, उनके नाम भी लिखना है। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी थी, तो ये तो मैंने साबित कर दिया था कि हम किस तरह से इसको एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते, जैसे बचपन में MBA किया, तो बचपन में बी से बांग्लादेश, च से चाइना, पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल और मा से म्यांमार, और MBA किया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात पड़ोसी देश बता रहे हैं, बी से बांग्लादेश, च से चाइना और पा से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान और भूटान, अफगानिस्तान और भूटान, ये ऐसे ही है। तो इतने ही हैं, 7 हैं, 7 कंट्री हैं, अफगानिस्तान और भूटान, तो ये 7 हो गई। तो इसका आंसर तो कल भी शायद कर लिया था, लेकिन नहीं किया था तो आज फिर से कर लेते हैं। फिर है थर्ड क्वेश्चन कि कौन सी दो प्रमुख नदियां, तो नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर इधर है, इंडिया के इधर है, इधर इंडिया है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, तो ये पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी? नर्मदा और तापी, ये उल्टी बहती है। बाकी जो नदियां हैं वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है, और ये दोनों नदियां क्या है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इससे पहले मैंने जो चैप्टर किया था ईट, उसमें मैंने बता दिया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो किन राज्यों की राजधानी एक ही है, तो ये इसीलिए मैंने पहले 8 चैप्टर किया, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर किए, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर करना और भी आसान हो गया है ना। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो इसलिए क्योंकि वो उपजाऊ होते हैं, वहाँ हर चीज होती है रहने के लिए, समतल मैदान है, घर आसानी से बनाए जा सकते हैं, यही सारी चीजें थी। और लक्षद्वीप को प्रवालद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है और ये हमारा प्रवालों से ही बना है, ठीक है, इसलिए इसको प्रवालद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा है अरब सागर में स्थित। तो अभी देखा हमने अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह, तो ये है लक्षद्वीप। ओ सॉरी, मैंने लगता है कुछ गलत बता दिया ऊपर ना। जैसे ये इंडिया है, यहाँ बांग्लादेश है, तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो अंडमान एवं निको नहीं, ये गलत बता रहे, ये लक्षद्वीप है वो इधर है, ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, और ये लक्षद्वीप है। हाँ ठीक ही है, सॉरी मैं कंफ्यूज थी थोड़ा सा। तो ये लक्षद्वीप है, इसका करेक्ट आंसर है। अगर ऊपर कुछ गलत बता दिया तो यहाँ देख के पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अरब सागर में जो बंगाल की खाड़ी है, वहां कौन सा है द्वीप समूह है? अंडमान है एवं निकोबार, और जो लक्षद्वीप है वो है अरब सागर में, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में है, करेक्ट है, सॉरी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो वो है अरावली, ठीक है। फिर है खालिस्तान, तो भारत का लगभग क्षेत्रफल कितना? तो 3.28 लाख किलोमीटर है हमारे भारत का क्षेत्रफल, और महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पहले बिहार था लेकिन अब राजस्थान है। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और तापी, अभी ऊपर भी आंसर किया है हमने। और भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है वो है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, कर्क रेखा। फिर है ये भारत की रेखा मानचित्र पर इनको चिन्हित करना है, तो जो कर्क रेखा भी हमने देखा वो तो भारत में मध्य भाग से गुजरती है, और भारत का जो मानक यामोत्तर है वो 82.3 है। जिस राज्य में आप निवास करते हैं, तो ये सारे बच्चों के लिए या आप सबके लिए एक्टिविटी है जो जिस राज्य में निवास करता है। और अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, तो ये दोनों ही भारत के पूर्व और पश्चिम, मतलब तो इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया है यहाँ जल्दी में, तो आप समझ जाइए, पूरा पश्चिम तो समझ ही जाएंगे। तो अंडमान जो द्वीप समूह है वो इधर है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और जो लक्षद्वीप है वो इधर है मैप में, और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट वो यहाँ है, पूर्वी घाट इधर है, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं, और 6th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट 7th क्लास की स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।